वाजपेयी जी, आप वरिष्ठ वकील भी हैं, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ सर, कार्यस्थगन का नियम है ना, मणिपुर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर, महिलाओं की सुरक्षा वाले मुद्दे पर भी अगर चर्चा करने के लिए ये कार्यस्थगन वाले नियम का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे संसद में तो कब करेंगे? यहाँ पर कौन अपना ईगो ला रहा है सर, कौन नॉन इश्यू को इश्यू बना रहा है, कौन उलझा रहा है इस मामले को कि चर्चा ना हो सदन में? मैं जवाब देता हूँ, ये क्यों कार्य स्थगन की बात कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में बहुत सारे बिल आने हैं इस बार, वो चाहते हैं कि इसको हंगामे से किसी तरीके से इसको सेशन को खत्म किया जाए। पिछला रिकॉर्ड देखिए इनका, और पिछला रिकॉर्ड देखिए ना इनका, सम्मान से बात कोई बिल नहीं होता है। आर्टिफिशियल मुद्दे पे चर्चा कीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। तो बीच में बोलते हैं, प्लीज प्लीज बताइए, एक एक करके जल्दी से 30 सेकंड का टाइम दीजिए, 30 सेकंड का टाइमर लेकर आइए। कहां से मूर्खता, क्या मूर्खता की बात कर रहे हैं आप? 30 सेकंड का टाइमर वाजपेयी जी के लिए लेकर आइए जल्दी। हम ये कह रहे हैं कि अगर विपक्ष सीरियस है, इस मुद्दे की संवेदनशीलता को समझता है, तो इनको चुपचाप चर्चा में शामिल होना चाहिए। सरकार का पक्ष भी पता चलेगा, इनको जो सजेशन देनी है वो भी दे सकते हैं, लेकिन ये संवेदनशील नहीं हो पाए। ये टेक्निकल टीच में जा रहे हैं कि इस रूल में करिए, इस रूल में करिए। अरे भाई, सरकार के पास जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत वो करना चाहती है। और नंबर टू, स्पीकर को पावर होती है, कंसेंट से टाइम जितना ड्यूरेशन बढ़ा लीजिए, उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं आती है। इसकी महत्वता को समझना होगा, और ये खाली मणिपुर तक सीमित नहीं होगी। ठीक है सर, समय हो गया, 30 सेकंड, बंगाल पे भी जाएगी, पूरे सर, मैं अखिलेश जी के पास जा रही हूँ। अखिलेश जी, आपने कहा कि ऐसी चर्चा का क्या फायदा होगा जिसपे कोई कॉन्क्रीट बयान ना है, आपने कहा ऐसी चर्चा का क्या फायदा होगा जहाँ पर सरकार की तरफ से वक्तव्य ना दिया जाए, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से तो कहा जा रहा है ना कि गृह मंत्री, जो संबंधित मंत्री हैं, इंटरनल सिक्योरिटी जिनके अंदर आती है, वो तो बयान देने के लिए तैयार है ना सर? देखिए, ये सिर्फ भ्रम आया जा रहा है, और पता न कहाँ से ज्ञानी हमारे शुक्ला जी बता रहे हैं कि बिल आने हैं, बिल न पास हो पाए इसलिए स्थगन करना चाहते हैं। वो स्थगन पूरे दिन का नहीं होता है, एक दो तीन घंटे का जो सिर्फ बहस का समय होता है, उसके लिए सारे काम रोक करके पहले आप प्रायोरिटी पे हमारी बात सुन लीजिए, देश जिससे उद्वेलित है उसके बाद और काम होगा। लेकिन आप देखिए रोमाना जी, पिछले 9 वर्षों से इस सरकार ने कभी भी सदन को नियमित चलने नहीं दिया, क्योंकि वो जानते कि सदन चलेगा तो इसकी बखिया उधड़ेगी। और कभी भी विपक्ष ये नहीं चाहता कि सदन ना चले, क्योंकि सदन में विपक्ष का हथियार ही है, जब अगर सदन चलेगा तभी वो सरकार को बात रख पाएगी या घेर पाएगी। तो विपक्ष तो हमेशा चाहती है कि सदन चले, यहाँ बीजेपी नहीं चाह रही कि सदन चले। अरे भाई, इतने देर से घुमा रहे हो, बोलो कि कल सदन में स्पीकर स्वीकार कर लेंगे कार्य स्थगन। दो तीन चार घंटे की बहस होती है, उसमें सरकार का वक्तव्य आता है। चौथी बात रोमाना जी, संवैधानिक मजबूरी के अलावा कभी आपने देखा मोदी जी सदन में उपस्थित हो या वक्तव्य देते हो? राष्ट्रपति के अभिभाषण या वित्त मंत्रालय के एकाध बहसों के अलावा कभी मोदी जी सदन के कार्रवाइयों में बैठे आपको दिखते हैं? लोग इसी से दिखता है कि आप लोग संवैधानिक लोकतंत्र में कितनी आस्था रखते हैं। संसद सत्ता का नहीं होता है, सत्ता और विपक्ष दोनों का होता है, उसे मिलकर के संसद कहा जाता है। आप बार बार सरकार सरकार जो करें, यही है अहंकारी भाव कि हम सरकार में बैठे हैं, हम जो चाहेंगे वही होंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन, जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।